मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. स्टूडेंट्स टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.4. स्टूडेंट्स द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज और द सम ऑफ एक्सरसाइज 2.5 इज मच डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4. Okay, now I am telling the difference between two exercise. Okay, students, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो variable हैं वो दोनों तरफ हैं. जब दोनों तरफ variable हैं तो उनको solve कैसे करना है, तो सबसे पहले हम transpose करेंगे, variable वाले को variable की तरफ separate करेंगे. Okay, और जो constant है उसको constant की तरफ ले जाएंगे. ठीक है, और जो है फिर x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. ओके, नाउ x अपॉन 3 विल कम टू द लेफ्ट साइड एंड माइनस 1 अपॉन 5 विल गो टू द राइट साइड. ओके, देन वी विल टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, 3 2 जस्ट 6. ओके, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई हियर 3x माइनस 2x. सिमिलरली वी विल डू हियर 4 5 जै 20, 5 प्लस 4. ओके, नाउ 3x माइनस 2x x 1x अपॉन 6, 5 प्लस 4 9 अपॉन 20. देन दिस 6 विल गो टू द राइट साइड इन मल्टीप्लीकेशन. ओके, नाउ वी विल डिवाइड दीज बाय 2. ओके, 2 10 जा 20 एंड 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 अपॉन 10. ओके, तो बच्चों हमने इसमें जो वैल्यू निकाली x की वो आई 27 अपॉन 10. देन स्टूडेंट वी विल चेक दिस value of x whether it is correct or not, so we will verify it. Now x upon 2 minus 1 upon 5 is equals to x upon 3 plus 1 upon 4. We will put the value of x in place of x. Okay, 27 upon 10 into 2 minus 1 upon 5 is equals to 27 upon 10 into 3 plus 1 upon 4. This will becomes 27 upon 20 minus 1 upon 5, 27. Then 3 will cut 23, 9 3 are 27, 9 upon 10 plus 1 upon 4. Okay, bachcho. Now 27 minus 4 upon 20 and at right hand side 18 plus 5 upon 20. 27 minus 4.